कार्य शुरू कर रहे हैं, सब मिलकर और आगे बढ़ना, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने मन की स्थिति को सही रखना और अपने कर्तव्य सही ढंग से करते रहना, ये एक उद्देश्य ये हमारे कार्य का होता है। और इसके लिए आज हम यहाँ हैं, पुलक सागर जी महाराज उनके सानिध्य में भी अच्छे कार्य हो रहे हैं। योग एक ऐसा विषय है जो हर के साथ जुड़ा है, जैन मुनियों के साथ में, जैनिज्म के साथ में योग है ही, क्योंकि योग में जैनिज्म भी है। योग में हम जो भी बात करते हैं वो जैनिज्म के साथ की ही बात होती है, लेकिन योग इज्म नहीं है, कोई धर्म संप्रदाय नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि हर व्यक्ति को योग करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग कहता है कि भाई अपने मन को सही स्थिति में रखो, शरीर को स्वस्थ रखो, और ये कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान चलाया था स्वच्छ भारत, वो बहुत सही अभियान था, और स्वच्छ भारत के बाद आता है स्वस्थ भारत। स्वच्छता अगर नहीं हो तो स्वास्थ्य आ ही नहीं सकता, इसलिए स्वच्छ के बाद अब स्वस्थ भारत, ये हम अब अभियान आगे चलाएंगे। द योगा इंस्टीट्यूट सांता क्रूज ईस्ट, ये ऐसी संस्था है जहाँ की मैं डायरेक्टर हूँ। ये संस्था 100 साल पुरानी है और अब ये 100वां साल हम मना रहे हैं। 28 और 29 तारीख को MMRDA ग्राउंड में हमने बहुत बड़ा आयोजन किया है फंक्शन का, और वहाँ हर तरफ से लोग आएंगे, देश भर से, दुनिया भर के, क्योंकि योग तो फॉरेन कंट्री में बहुत प्रचलित है ही। तो हमारे 50,000 से ज़्यादा तो टीचर्स सारी दुनिया में हैं, क्योंकि 100 साल पुराना आश्रम है, और वो सब आएंगे, और वहाँ काफ़ी अलग अलग कार्य होंगे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होंगे, जहाँ बताएंगे तो खाना पीना कैसे होना चाहिए, क्योंकि गलत खाना तो गलत प्रॉब्लम, इसीलिए कैसा सादा सात्विक खाना बनाना, कैसे टेस्टी बनाना, तो बड़े बड़े शेफ्स आएंगे, रणवीर ब्रार और वो मेहता और ये वो लोग भी आ रहे हैं, बना के बताएंगे और आपको खिलाएंगे कि देखो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ से भी कितना स्वास्थ्यप्रद खाना हो सकता है। और इसीलिए हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होंगे। हाँ, वहाँ प्रेसिडेंट, हमारे देश के प्रेसिडेंट आ रहे हैं और वो हमारे कार्य की शुरुआत करेंगे। तो ये सारी अच्छी चीज़ें अब होने लगेगी, और अच्छी चीज़ों को फैलाना है। अब तक हम बहुत साइलेंट थे, बहुत बोलते नहीं थे, लेकिन अब हमें देखा है कि अब हमें बोलना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि गलत चीज़ें बहुत आ रही है देश में, गलत गलत लोग गलत चीज़ें कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य की जगह पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब योग इंस्टीट्यूट में ने हाथ में ली है बाजी, और देवेंद्र भाई योग इंस्टीट्यूट के साथ में ही जुड़े हैं, वो हमारे ही इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट हैं, इंस्टीट्यूट से निकले हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिल के ये कार्य को आगे बढ़ाएं, और आज हम ये महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात। मर्यादा महोत्सव की अगर बात करें तो क्या इससे समाज की समाज में हमें यही कहना है जो मैं बता रही थी कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। मेरा स्वास्थ्य मेरे हाथ में है, मेरे मन की स्थिति मेरे हाथ में है, मैं दूसरों को ब्लेम ना करूं। जैसे अभी ये बता रही हूँ, ये आज यहाँ के किसान, महाराष्ट्र के किसान, बारिश नहीं आई इसलिए वो दुखी हैं और वो परेशान हैं और जगह जगह धरना दे रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर एक काम नहीं कर सको तो दूसरा काम करो, दूसरा ना कर सको तो तीसरा करो। गांधी जी ने क्या बताया था कि चरखा लेके चरखा ही काटो, कि जिससे कुछ न कुछ आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सको। ये जो मानस हो गया है कि मुझे ये नहीं मिला तो मैं दुखी हूँ और आप हमें मदद करो, उसकी जगह अगर ये नहीं मिला तो मैं और क्या कर सकता हूँ और मैं कैसे आगे बढ़ूँ। अगर मेरे पैर नहीं तो मेरे हाथ तो हैं, मेरा दिमाग तो है, हाथ नहीं है, यानी ये जो सोच है लोगों की उसे बदलना है। हमेशा मदद मांगने की जगह वो समझते नहीं है कि अपने शरीर में बहुत ताकत है, अपने अंदर बहुत ऊर्जा है, मन अगर सही रखो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये जो आज की बात है, यही सब, ये भी विश्वास होना चाहिए उन्हें
वगैरह, ये सुसाइड और आत्महत्या और ब्लेम करना और काम काम छोड़कर और धरना देना, ये सब तो बहुत गलत चीज़ें हो रही है और हमें इसी सब को रोकना। चलते चलते आखिरी सवाल, ब्रिटिश संसद ने जी हमारे जयंती जी को सम्मानित किया जी, क्या कहना चाहेंगे, खुशी वाली बात? ये बहुत ही खुशी वाली बात है कि अब वो समझ रहे हैं कि किस तरह इंसान अपने आप को बिल्कुल अगर साधे, सही तपस्या करे, सही तपस्या करता तो वो बहुत बेहतर और बेहतर इंसान बन सकता है। तो जब फॉरेन के लोग भी हमारे गुण देख रहे हैं, अपने देश के लोगों को जो देखना ज़रूरी है, अपनी जो संस्कृति है उस पर बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। वो फॉरेन के लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ अभी इंस्टीट्यूट में 40 देश के लोग रह रहे हैं और वो योग सीख रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं सब जगह से? क्योंकि वो देख रहे हैं हमारी संस्कृति में कितनी ताकत है, हमारी स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में कितनी ताकत है, इसीलिए वो यहाँ आ रहे हैं और वो यहाँ से जुड़कर और वो आगे सब लोगों को सिखाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है और मुझे बहुत खुशी है कि पुलक सागर जी को उन्होंने सम्मान दिया।
मन को प्रसन्न करने वाला। और महाराज जी ने आज जो बोला है वो सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम और ज्यादा रईस हो गए, अच्छे विचारों के रईस हो गए। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि मैं तो सम्मान देने आया हूँ, सम्मान लेने नहीं आया। यही संतों की वाणी हम बचपन से गाते आ रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि इसी तरह के विचार मेरे मन में भी बना के रखें और मैं जीवन में आनंद लेता रहूं। आज के कार्यक्रम में मुझे प्रमोद ने, देवेंद्र जी ने कहा कि आना है तो आना ही है, और आपके आशीर्वाद भी मिला, बहुत खुशी हुई। बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए कि हमारे संतों को इंग्लैंड में ब्रिटिश काउंसिल की ओर से सम्मान मिलता है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और हम अपने को धन्य समझते हैं। अरे टीवी नाइन वाला बने गए, तो यहाँ अरे अरे नंतर नगर फंक्शन हो गया है मर्यादा के तरफ से, तो शांति का संदेश देने के लिए और शांति अपने देश के विकास के लिए, दुनिया के विकास के लिए, मानव के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज यहाँ जैन मुनि जो है, जैन महाराज है, वो यहाँ आए थे, उनको भी शांति दूत का पुरस्कार भी दे दिया है, जो पुलक सागर जी है और देवेंद्र भाई जी है, उन्होंने आज का प्रोग्राम में रखा गया था। तो मुझे लगता है कि शांति की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिस तरह महावीर जी ने, गौतम बुद्ध जी ने शांति का संदेश दिया था, तो भारत में शांति पैदा करने में आज तक भी हमें सफलता नहीं आ रही है, लेकिन शांति प्रस्तावित होनी चाहिए मानव के विकास के लिए, और उसके लिए आज का ये सम्मेलन था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको ये सम्मान दिया है तो कितना गौरवशाली बात है भारत देश के लिए। भारत के लिए गौरवशाली बात है कि मतलब जो लंदन से आकर यहाँ जो हमारे लंदन से आकर मतलब यहाँ महाराज जी को जो पुरस्कार दे दिया है, तो एक अच्छी बात है कि भाई पुलक महाराज जी का जो काम है, पुलक सागर जी का जो काम है, ये बहुत बड़ा काम है। वो बहुत बड़े सैक्रिफाइस वाले साधु है और संत है, और महावीर जी का जो सपना है वो पूरा करने के लिए, शांति धर्म को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं महाराज जी के ऊपर कहना चाहूँगा कि हमारे सबसे बड़े महाराज जी, जिनको जैन समाज के प्रवचनों के, भगवान महावीर जी के संदेशों को लेके मानवता के लिए, मानवता की रक्षा के लिए जो संदेश पहुँचाते हैं, उसके साथ साथ सबसे बड़ा उनका जो मिशन है, प्रथम राष्ट्र, राष्ट्र की आज़ादी की रक्षा, राष्ट्र के प्रति हर समाज के लोगों को प्रवचनों के द्वारा उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करना सबसे अच्छा लगा। और मुझे पता नहीं था, अगर पहले पता होता मैं चल तो नहीं सकता इतना, पर महाराज जी के आशीर्वाद से, भगवान महावीर जी की कृपा से मैं पूना से बॉम्बे पैदल चल के जरूर आता, और अगली बार मेरी कोशिश रहेगी कहीं भी ऐसा मौका मिला जितना भी मैं चल सकता हूँ मैं उनके चरणों के साथ साथ जरूर कदम से कदम जोड़ने की कोशिश करूँगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महाराज जी को सम्मानित किया है, कितना गौरव की बात है देश के लिए। देखो महाराज जी के लिए ये कुछ चीज़ें बड़ी नहीं हैं, हमारे लिए बड़ी। जिस संत महापुरुष ने सब कुछ त्याग दिया हो, तन पे कपड़ा नहीं, पाँव पे जूता नहीं, कड़क सर्दी हो या गर्मी हो,
राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानवता का संदेश के लिए शांति के दूत बन के पूरे देश में, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि शांति का संदेश और घर घर तक पूरी दुनिया में पहुँचाया जाएगा। और उन्होंने जो दिया जगाया है उस दिए को हम लेकर के पूरे देश के कोने कोने में जाते थे, अब और तेजी से इस रफ्तार को बढ़ाएंगे। देवेंद्र जी महाराज जिन्होंने आयोजन किया उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और उनका सबका बड़ा आभारी हूँ। ब्रह्मचार्य जी का आभारी हूँ, गौरव जी का हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनका हूँ, आहूजा जी का हूँ, सारे समाज का मैं बहुत आभारी हूँ। खास तौर पे आप मीडिया का सबसे बड़ा आभारी हूँ। इतना मीडिया भैया कहाँ आता है, बड़े बड़े लोग रहते हैं यहाँ पे। आपका बहुत शुक्रगुजार कि आपने महाराज जी का संदेश, उनका शांति का संदेश, उनका सेकुलरिज्म का संदेश, उनका राष्ट्र का संदेश पूरी दुनिया में पहुँचाने का कोशिश किया है मीडिया ने। मैं आपका सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि ये जो संदेश है ये बंद कमरे में नहीं रहेगा, ये संदेश आपके द्वारा पूरे दुनिया के कोने कोने में हमारा जो समाज है उन तक आपने पहुंचाया है। मैं आपका सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अरे आइए, और ये मेरे भाई साहब साउथ अफ्रीका से, देखो कितने बड़े ऐसे समाज सेवी राष्ट्रभक्त शादियों के लिए, गरीब बेटियों की शादी के लिए सेवा करते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, ये गुजरात के लोगों के अंदर ही हिम्मत है, जो करते हैं वो दिल से करते हैं, व्यापार दिमाग से चलाते हैं और सेवा मानवता की दिल से करते हैं। दो में दो खूबियां देखी, व्यापार दिमाग से, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, मजलूमों की सेवा, गरीब बेटियों की सेवा, ये लोग दिल से करते हैं। मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इतनी इतनी दूर से आते हैं यहाँ और ऐसे लोगों को, ऐसे समाज के लोगों को आगे बढ़ाइए ताकि इनका हौसला बढ़े। इधर आ यार, कुछ भी करो, गौरव को बुलाओ यार, इधर आ गौरव। थैंक यू जय हो सर। अरे अरे आओ साहब, आओ ना, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं देवेंद्र भाई जी का शुक्रिया अदा करूँगा, अभिनंदन भी दूंगा साथ में। तो बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया और इनकी जो लगन और मेहनत की परिणाम से आपने देखे, बहुत सारे हमारे रिस्पेक्टेड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर्स आए थे। तो ये बहुत मेरे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं सबके साथ स्टेज शेयर करूँ। हमारे देश के लिए बहुत, हालांकि जो वो काम करे वो सबसे ज़्यादा गौरव की बात है। सम्मान तो एक तरह का मोटिवेशन होता है। वो पुलक सागर जी महाराज जो को महाराज को तो वो नीड भी नहीं है, वो ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो उनकी जो मानवता की सेवा है वही उनके लिए बड़ा सम्मान है, जो ईश्वर की तरफ से उनको जो ब्लेसिंग मिली है। और हमारे लिए भी, हमारे सबके लिए ये गौरव की बात है कि हमारी प्रेजेंस में उनको ये सम्मान मिला। तो हमारे लिए भी एक बड़ा ऑनर हो गया है कि हम ये सम्मान में हम एक विटनेस बने। उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, ये सेकंड प्रोग्राम है, जो पहले मैंने भाईचारा महोत्सव का प्रोग्राम पार्टिसिपेट किया था, ये सेकंड प्रोग्राम है। मैं स्पेशल अफ्रीका से आया हूँ, 20 आवर्स 20 घंटे की ट्रैवल करके आया हूँ, सोया भी नहीं हूँ, बट फिर भी मैं आज इतने जोश में हूँ, इतनी खुशी हो रही है कि इतना अच्छी तरह उसने ऑर्गेनाइज किया और हमारा भी मान सम्मान किया, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और एक चीज़ खाली मैं बता दूं, हमारा जो फाउंडेशन है रिजवान आदित्य फाउंडेशन, 4 साल से इंडिया में काम कर रहे हैं और 4 साल में इंडिया के अंदर तकरीबन 4 लाख और 4 लाख से भी ज़्यादा, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ
के लोगों को बेनिफिट मिला है। ये तो अभी शुरुआत है, बहुत आगे काम करना है। सबका आशीर्वाद लेगा रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा और हमारे सबके गवर्नमेंट के और दूसरे हमारे कॉरपोरेट फ्रेंड्स के सबके सपोर्ट मिलेंगे तो 4 लाख नहीं, हम 40 करोड़ तक पहुँचेंगे। हम इंडियन से हमारे पास स्पिरिचुअल पावर की ब्लेसिंग है, हम यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो यही हम विज़न के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। Oh my God, there's so much of information and I think Vidhi is doing wonderful. Okay. Okay, so my name is Rushabh Turakya. I am founder of Your Turn Now, which is about spreading kindness. Coming to Lajja and Tattwa especially, I think Vidhi is doing wonderful job and it should not be a annual event, it should be a monthly event because there's so much to learn, so much to know about different things which is happening around. And so many organizations coming together and speaking about beautiful things which is happening. And I think all efforts are to Lajja's team and Riddhi. And I think it should happen again and again. I mean, it's been a year, I have not been to Lajja. Thank you so much. I'm Fatima Jagmal from the Connect Foundation. I'm a founder trustee, which is a parent support group for hearing impaired children. It has been wonderful to be part of that Tattwa today in the morning. And I mean, the speakers, they were such wonderful speakers, throwing a lot of light on what the mental health has to be like. And I'm going sure it's going to go a long way in taking this platform forward. And also the team of Lajja is very, very inspiring. I think I got so inspired by them and I just pray and hope that they keep doing this inspirational work for themselves and for others. Thank you. Good afternoon, everybody. This is Dr. Neeta. And Team Lajja is doing a very awesome work, specifically Riddhi. Words are spoken is very less for Riddhi and the Lajja team overall. The concept today was nurture thyself. Nurture thyself comes from a concept which is within. And that is where Riddhi has touched the hearts and has made everyone touch the heart right from the bottom and from the core. And all the good luck to the Team Lajja and all the good luck to Riddhi. More endeavors to be seen by her and good luck. So Lajja was launched in 2014 December with a view of development of women. तो हमने जब लॉन्च किया तब हमने ये ध्यान रखा था कि women development को focus रख के हम काम करें और आज हम 3.5 साल हो गया, बट इस 3.5 साल में हम बहुत सारे सक्सेस स्टोरी लेके चल रहे हैं साथ में। और ये जो आप तत्व देख रहे हैं, तत्व इज़ ऑल अबाउट अ एनुअल इवेंट जो हम साल में एक ही बार करते हैं और वो फोकस पे रहता है। जैसे इस बार नर्चरिंग थाई सेल्फ है, नोइंग थाई सेल्फ, ऐसा कुछ भी थीम बेस करके हम करते हैं। उस हिसाब से हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और एक्सपर्ट्स आके अपना नॉलेज हम पब्लिक के साथ शेयर करते हैं। लज्जा लॉन्च करने के उसके पीछे का आइडिया ये था कि जब से मैं सो आई एम द फोर्थ डॉटर टू माय फादर, माय पेरेंट्स इनफैक्ट, एंड हम देखते थे कि हमारा अपब्रिंगिंग बहुत ही डिफरेंट था और जो डिफरेंट दूसरी गर्ल्स थी उनका अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट था और देयर वाज कांस्टेंट कंपैरिजन गोइंग ऑन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो वो डिस्पैरिटी वो ब्रेक करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा फोरम होना चाहिए जिससे पब्लिक खुलेआम विमेन बात कर सके, नॉन जजमेंटल स्पेस जो बोलते हैं, जहाँ पे इनको जज नहीं किया जाएगा, जहाँ इनको ये नहीं होगा कि अगर तुम ऐसा बोलोगी तो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा हम सोचेंगे। सो इट्स अ कम्प्लीटली नॉन जजमेंटल फोरम स्टार्टेड बाई मी इन डिसम्बर 2014 and recently some months back we got to know that it's India's first forum for women. Iske piche kachhai challenge bhi aati hai, tarah tarah ki baatein aati hai, comments aata hai, react
प्रोटेक्शन की भी बात करें लोगों की, किस प्रकार की प्रतिक्रिया मिलती है आपको सब काम करने पर, क्या कहना चाहिए? सो हार्डशिप्स तो आए हैं, बहुत सारे आए हैं, क्योंकि अब भी विमेन को लगता है कि उनको सेल्फ अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, राइट? अगर मैंने इनको बोल दिया कि आज आके हम सांदूक में बैठ के खाना खाएंगे कि पिक्चर देखेंगे तो विमेन आर रेडी, पर इनको बोला जाए कि आपको अपने डेवलपमेंट पे काम करना है तो स्टिल विमेन डोंट कम फॉरवर्ड. तो वो चैलेंजेस कन्विंस करना, इनको समझाना कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़, तो वो हमें चैलेंजेस बहुत सारी आई हैं. बट इट्स बिन 3.5 to 4 years नाउ कि हम देख रहे हैं कि अभी पब्लिक को हम इतना मैसेज पास कर पा रहे हैं कि ज़रूरत क्या है इसकी और इम्पोर्टेंस क्या है, और इस हिसाब से पब्लिक अब भी समझना शुरू हुई है दैट येस इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अपग्रेड योर ओन सेल्फ ऑल्सो. सर हम बात कर रहे हैं कि व्हाट डू वुमन एक्चुअली वांट, एंड वी रियलाइज दैट वी वांट एवरीथिंग, बी इट आवर पर्सनल लाइफ, बी इट आवर बिजनेस लाइफ, बी इट विद आवर फैमिली, बी इट विद आवर फ्रेंड्स, वी वांट एवरीथिंग इन लाइफ. तो लाइफ में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हमारी लाइफ फुलफिल्ड रहे, वो सोच के तत्व इवेंट प्लान किया है. तो तत्व इवेंट स्पीक्स अबाउट इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, इवन प्रोफेशनल वेलबींग. लाइफ में ये सब चीज़ है तो लाइफ फुलफिल्ड लगती है. एंड समथिंग स्पेशल अबाउट वुमन इज समटाइम्स दे नीड लिटिल पुश. कल्चरली वी फील एवरीथिंग दैट अ वुमन डज इज नेसेसरी टू बी कनेक्टेड विद अ फैमिली और पर्सनल फैमिली वेलबींग. हाउएवर एवरीवन वांट समथिंग फॉर देम. सो दिस इवेंट स्पीक्स अबाउट व्हाट एक्चुअली अ लेडी वांट्स इन हर लाइफ, बी इट हर पर्सनल वेलबींग, बी इट हर इमोशनल वेलबींग, एंड दैट्स हाउ द एंटायर इवेंट हैज कम. सोशल एक्टिविटीज के अलावा भी घर भी संभालना पड़ता है, नमक समर्थ खाने वाने बनाने पड़ते हैं, और एक चम्मच नमक ज़्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम, कम हो गई तो भी प्रॉब्लम, कठिनाई. सो लज्जा का मोटो यही है कि आप सबको साथ में लेके चलो. अगर एक औरत आप डिसाइड करें कि मुझे ये करना है, पर अगर सब भी कुछ सपोर्ट नहीं रहेगा तो द वुमन कैन नॉट प्रोग्रेस, राइट? सो द मेन मोटो ऑफ लज्जा इज टेक योर फैमिली इन टू कॉन्फिडेंस, टेक योर चैलेंज इन टू कॉन्फिडेंस, सबको साथ में लेके अपना काम लेके आगे चलो, अपना काम संभाल के आगे चलो. यू नो, ऐसा नहीं कि मैं आज डिसाइड किया मुझे कुछ नहीं करना है पर मैं करियर में ध्यान दूंगी, ऐसा नहीं होता है. बिकॉज फॉर अ वुमन राइट फ्रॉम अ managing the house to a child to the husband, everything, she is the soul of the house, so she has to take care of everything, and that's what Lajja preaches. Next up Lajja. Sorry, next kya hone wala hai Lajja? So Lajja website aaj launch hua, aapne dekha humne website launch kiya hai. January mein hum log senior citizens ka program launch kar rahe hain, jo senior citizens support karenge senior citizens ko, aur uske sath जो हमारे ऑलरेडी वेंचर्स चल रहे हैं वो तो हम थोड़ा ज़्यादा पुश करने वाले हैं इस साल में 2019 में. थैंक यू सो मच. थैंक यू.